नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्चिता मिश्रा और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ अहम खबरों पर। विकासखंड करवी के ग्राम सभा हितौनी माफी के स्थायी गौशाला में दिन और रात को छोड़ देते हैं गौवंश। बताते हैं कि हितौना माफी के गौशाला के छोड़ देने की वजह से सजे गांव ग्राम सभा मकरी परहा में फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर रहे हैं। ग्राम सभा मकरी परहा के ग्रामीणों ने हितौना माफी के प्रधान से कहा, पर कुछ सुनने के लिए वो तैयार ही नहीं है। हमारे गांव में हेनौता प्रधान अपना गांव में मतलब गोरू नहीं भेड़ रहा, हमारे गांव में आ रहे हैं, तो उस प्रधान को समझाओ। आपने उस प्रधान से बताया कि आप गोरू हमारे गांव में आ रहे हैं, बोला आपने? हाँ बताया है उसको। तो उन्होंने क्या बोला? 10 गोरू बेंड दिया है उसमें, बाकी एरा कर दिया है। आपको किसी को शिकायत की है? हाँ, किसी को नहीं शिकायत की है, प्रधान को ही बताया गया। तो आपका ग्राम सभा कौन सा है? ग्राम मकरी पहरा। अच्छा, है ना, तो माफी के यहाँ गोरू आ रहे हैं, जस्ट बाजू में है, तो हमारे गाँव में आ जाते हैं। तो लगभग फसल आपके कितने लगभग चौपट के हैं? मान लो कम से कम अभी इस समय तो धान की फसल है, धान खा रहे हैं। चलो ठीक। चित्रकूट से केके न्यूज संवाददाता सीपी सरगम की रिपोर्ट। थाना मसौली पुलिस द्वारा 12 घंटे के अंदर फर्जी लूट का सफल अनावरण। फर्जी लूट की साजिश रचने वाले सेल्समैन को गिरफ्तार कर 1,79,000 रुपए शत प्रतिशत बरामद। मसौली थाना क्षेत्र में 12 घंटे के अंदर एक लूट का खुलासा किया गया है और इसमें वादी जो है अजीत कुमार जोगोंडा के रहने वाले हैं, उन्होंने मसौली थाने पे आके तहरीर दिया था कि रामनगर और मैला रायगंज में उनकी शराब की दुकान है और उनका जो सेल्समैन है सोनू यादव, वो 2,00,000 रुपए लेकर के जा रहा था, जिसको करपिया नहर के आगे 2 अज्ञात व्यक्ति स्विफ्ट डिजायर से आए और उन लोगों ने रोक लिया और उसके बाद उसके पास से जो 2,00,000 रुपए थे वो लूट लिया। इस आधार पे थाना पे मसौली में मुकदमा लिखा गया था 392 का और तत्काल टीमें बनाई गई, जिसमें हमारे एडिशनल SP और CO साहबान ने सक्रिय भूमिका निभाते हुए इस टीम का नेतृत्व करते हुए पूरा सीरियस डेटा एनालिसिस और लोगों से पूछताछ किया और इसमें घटनाक्रम पूरा निकल के आया कि जो सेल्समैन है सोनू यादव, इसने अपने मालिक के यहाँ से 1,79,460 रुपए, ये टोटल जो 2 दिन का कलेक्शन था, उसने उठा लिया और ले जाके करपिया नहर के पास इसने झाड़ियों में छुपा दिया, अपने मोटरसाइकिल से गया और वहाँ ले जाके छुपा दिया। छुपाने के बाद ये 3-4 घंटे घूमता रहा और लूट की प्लानिंग बना करके इसने एक राहगीर से फ़ोन लेकर के फ़ोन किया अपने मालिकों कि हमारे साथ लूट हो गई है, और लूट के बाद ये थाने आया और थाने पर इसने तहरीर दिया, उस आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और टीमों ने सक्रिय दिखाते हुए पूरा जो घटनाक्रम है उसका अनावरण किया है। इसमें टोटल जो 100% रिकवरी की गई है, जो 1,79,460 रुपए गायब हुए थे वो बरामद हुए हैं और उसके बाद ये व्यक्ति पकड़ा गया है, अब इसे जेल भेजा जा रहा है। गिरी कार्रवाई। बाराबंकी से केके न्यूज संवाददाता खतीब अमीन की रिपोर्ट। देश का नाम रोशन करे युवा खिलाड़ी की हर संभव मदद करेंगे संदीप सिंह। आज अतरौली में लाला राम डिग्री कॉलेज में उत्तर प्रदेश पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने फीता काट कर इसका आयोजन किया। सरस्वती माँ पर द्वीप प्रज्वलित किया गया। संदीप सिंह ने कहा, हर खिलाड़ी को देश का नाम रोशन करना चाहिए। हरदेवी कॉलेज में हमारी अतरौली विधानसभा में इस तरह का एक पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन के द्वारा आज प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता यहाँ पे 3 दिन के लिए आयोजित की जा, महिला और पुरुष दोनों खिलाड़ी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और 3 दिन तक इस प्रतियोगिता को चलाया जाएगा। मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि हमारे विधानसभा को इस बड़ी प्रतियोगिता के लिए चुना गया। सभी जितने भी लोग इसमें भाग लेने के लिए आए हैं, मैं उनके उज्जवल भविष्य के लिए और अच्छा से अच्छा परफॉर्म करें उनको और उनके लिए अपनी हृदय से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। अलीगढ़ से केकेडी न्यूज संवाददाता अजीत कुमार शर्मा की रिपोर्ट। इसी तरह की खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहिए खबरों की दुनिया, और खबरों की दुनिया को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।